सूरतना व्यापारी उज्जैन में भगवान महाकाल ने अमेरिकन डायमंड जड़ित मुकुट अर्पण कर्यो छे। सतत एक वर्ष थी मंदिर तंत्र साथे संपर्क में रही सूरतना किशने मुकुट कुंडल माला अने चांदी नो कलश तथा अन्य पात्रों बनावीने दान में आप्या छे। जैसे कि आप देख रहे हैं बड़े सुंदर सुंदर भगवान के लिए आभूषण तैयार किए गए हैं। हमारे गुजरात के दानदादा किशन भाई है, उनके द्वारा बनाए गए हैं। ये हर बार दर्शन करने आते हैं और इनके द्वारा इच्छा जाहिर की गई थी कि चूँकि हम डायमंड का काम करते हैं तो भगवान के श्रृंगार का सामान हम बनाना चाहते हैं, उसी प्रकार इनके द्वारा बनाया गया। तो हमने बाबा जी के लिए पूरा डायमंड का मुकुट बनाया है। मुकुट है, कान के कुंडल है, नंदी महाराज जी के लिए पूरी चड्डर है, उसके तिलक है। और लाभ पंचमी के दिन हमने ऐसा सोचा कि पूरा मंदिर हमारे हिसाब से सजना चाहिए। बनासकांठाना एक गाम में 100 घोड़ाओनी हड़हनाटे संभळाई। भाईबीजना दिवसे थाय छे अश्व दौड़नुं आयोजन। नवा वर्षना बीजा दिवसे एटले के भाईबीजे मुडेठक गाम घोड़ाओना हणहणाटे थी गूंजी उठ्यू। भाई बहनना पवित्र संबंधनी यादगीरीनी उजवणी कंईक अनोखी रीते थाय छे। दर वर्षे मुडेठा अने तेनी आसपासना लोको पोताना अश्व पर सवार थईने अश्व दौड़ योजे छे, जेमां मोटी संख्यामां लोको जोड़ाय छे। आ अश्व दौड़नी परंपरा वर्षोथी चाली आवे छे। अश्व दौड़नी 753 वर्षथी चाली आवती आ परंपरा आजे पण एटलुं ज आकर्षणनुं केन्द्र बनी छे। मुडेठा गामना राठोड दरबारना आ अश्व दौड़नुं आयोजन करे छे अने अश्व दौड़मां आजूबाजुना गामना लोको पण भाग ले छे। આ અશ્વદોડ પાછળ વર્ષો જૂનો ઇતિહાસ જોડાયેલો છે, જેના કારણે આજે પણ આ દરબાર લોકો પોતાની પ્રાચીન પરંપરા જાળવી રાખે છે। લોખંડનું બખ્તર પહેરીને અશ્વ પર અનોખી સવારી કરીને દોડ લગાવે છે। રફતાર અને શૌર્યતાના આ સમન્વયને નિહાળવા માટે મોટી સંખ્યામાં લોકો અહીંયા ઉમટી પડતા હોય છે।